एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। स्वागत तो करो हमारा। तेरे को दिखता नहीं वैसा कितने आदमी है। सूर हमेशा ग्रुप में शिकार। किसने किया आयशा के पिता का खून? क्या पकड़ा जाएगा राधे? तो दोस्तों, सलमान खान की कुछ साल पहले रिलीज हुई मूवी वांटेड ने बॉलीवुड को हिलाकर रख दिया था। ये वो दौर था जब सलमान खान मोस्टली मूवी साउथ की रीमेक बनाते थे और कमाल की बात तो ये है कि उस समय पर किसी को पता भी नहीं था कि ये फिल्में साउथ की कॉपी हैं। अब फाइनली लंबे समय के इंतजार के बाद वांटेड के सेकंड पार्ट की खबरें सामने आ रही हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में देखें कि वांटेड 2 का पॉसिबल प्लॉट कैसा हो सकता है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक बड़ी खबर है। अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाएं। हेलो दोस्तों, बॉलीग्राड स्टूडियोज से मैं हूं मासूमी और आज हम बात करेंगे 2022 की वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड मूवीज वांटेड पार्ट 2 के बारे में। तो कहानी शुरू होती है दिल्ली से, दिल्ली के इंडिया गेट से। शाम का समय है और इंडिया गेट सुंदर लाइट से सजा है। राजपथ पर भी लाइटें चमक रही हैं। लोग आइसक्रीम खा रहे हैं, वॉक कर रहे हैं और पूरा वातावरण काफी शांत है। लेकिन वही कोने में एक लड़का और एक पुलिस वाला बहस कर रहे हैं। पुलिस वाला उस लड़के को धमका रहा है। वहीं सामने से एक फीमेल पुलिस इंस्पेक्टर आ रही है और वो बदमाशों को वहां से भगा रही है। जैसे ही फीमेल पुलिस और उस इंस्पेक्टर का आमना सामना होता है, दोनों अजीब सा बिहेव करते हैं। ऐसा लगता है जैसे दोनों की आपस में बनती नहीं और दोनों एक दूसरे को अवॉइड कर रहे हैं। इसके बाद दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। फिर दृश्य दिखता है एक बड़े घर का, महल जैसा घर, जहां बड़ा बगीचा है। बगीचे में माली है, लंबी लंबी गाड़ियां भी खड़ी हैं। मेन गेट के अंदर लिविंग रूम में सब लोग आपस में बैठे हैं, जहाँ वो धमकी देने वाला इंस्पेक्टर भी है। वो कहता है, पिताश्री आप खुद तो मरेंगे ही, हमें भी साथ में मरवाएंगे। पता है आज इंडिया गेट पर सच की पुलिस आ गई थी। एक दिन इस झूठ मूठ के नाटक के चक्कर में हम सब अंदर हो जाएंगे। उसके दादाजी जवाब देते हैं, अभी से डर गया राधे? जो गाड़ियाँ और बंगला देख रहा है ना, हमने ऐसे ही खड़े किए हैं और तू है कि अभी से डर रहा है। राधे कहता है, मैं किसी से नहीं डरता, वो तो बस पुलिस को देखकर थोड़ा सब हंसने लगते हैं। दूसरी तरफ दृश्य है एक और घर का, जो काफ़ी छोटा है और वहाँ फीमेल इंस्पेक्टर, जिसका असली नाम आयशा है, वो अपनी माँ को बता रही है, पता है माँ, आज सच की पुलिस वहाँ पर आ गई थी। एक पल को तो मुझे लगा कि आज हम गए, लेकिन फिर मैं वहाँ से भाग गई। उसकी माँ कहती है, बेटा जब ये काम इतना रिस्की है तो करना ज़रूरी है क्या? तेरे पिता को तो खोया ही है, अब तुझे भी खो दिया तो मेरा क्या होगा? आयशा कहती है, माँ तू क्यों टेंशन लेती है, सब ठीक होगा ना? माँ कहती है, हाँ हाँ तुझे क्या पता कितनी टेंशन होती है, पता है जब भी तू जाती है मेरा तो पूरा दिन मन ही बैठा रहता है। दोनों ही इंस्पेक्टर नकली होते हैं, लेकिन हाँ, जहाँ दोनों की पहचान एक जैसी है, लेकिन वहीं दोनों के इंस्पेक्टर बनने का मकसद बहुत अलग है। कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। राधे के घर वाले ये इंस्पेक्टर वाला धंधा काफ़ी समय से कर रहे थे। सबसे पहले उसके दादाजी के पिता ने ये किया और फिर रिटायर होकर उसके दादाजी ने, फिर उसके पिता ने, और अब राधे की बारी थी। वो पुलिस बनकर लोगों से रिश्वत लेते थे, गुंडों को डराते थे और अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके पैसे कमाते थे। आज उनके पास इस काम से इतनी प्रॉपर्टी और इतना पैसा था कि अगर वो आज भी कमाना छोड़ दे तब भी उनके बच्चों के बच्चे भी आराम से बैठकर खा सकते थे। और यही बात राधे हमेशा अपने दादाजी को कहता था, अब हम पहले की तरह गरीब नहीं हैं, अब तो हमारे पास पैसे हैं ना, तो फिर क्यों ये गलत काम करना है? और उसके दादाजी हमेशा उसे एक ही जवाब देते थे, अगर मेरे पिताजी ने भी ऐसा ही सोचा होता तो आज तू आराम से बैठकर ना खा रहा होता। ये खानदानी धंधा है, हमें इसे आगे तक चलाना है। राधे अपने दादाजी की बहुत इज्जत करता था और इसीलिए आगे कुछ बोल नहीं पाता था। वहीं आयशा का परिवार काफ़ी मिडिल क्लास था और उनकी इंस्पेक्टर बनने की मजबूरी अलग थी। आयशा और उसकी माँ अकेले एक छोटे से घर में रहते थे। बच्चे पर इस सब का बुरा असर ना हो इसीलिए छोटे भाई को दिल्ली में ही बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया था। वो अक्सर माँ और बहन से नाराज़ रहता था, कहता था कि जब दिल्ली में ही रहना है तो आपने मुझे बोर्डिंग में क्यों डाला, आप मुझसे प्यार नहीं करती, सिर्फ आयशा दीदी से करती हो। लेकिन माँ भी बेचारी क्या करती, जहाँ वो चाहती थी कि बच्चे पर बुरा असर ना हो लेकिन वहीं उसके पास उसे बाहर भेजने के पैसे भी नहीं थे, वो सिर्फ दिल्ली के ही छोटे मोटे स्कूल अफोर्ड कर पाती थी। आयशा के पिता फौज में थे और उनकी 4 महीने पहले मौत हुई। जहां सरकार का ये दावा था कि उनकी लड़ाई में मृत्यु हो गई है, लेकिन ऐसी कोई भी लड़ाई कभी हुई ही नहीं थी। उसके पिता हमेशा बताते थे कि कैसे पुलिस वालों को वो पसंद नहीं, क्योंकि वो सारा काम ईमानदारी से करते हैं और रिश्वत लेने वाले पुलिस वालों को खुद जेल में अंदर करवा देते थे। आयशा को पूरा यकीन था कि उन पुलिस वालों ने ही उसके पिता का मर्डर किया है। वो रोज पॉलिटिशियंस के ऑफिसेस के चक्कर लगाती और वहाँ उनसे कहती थी, आप इस केस का पता लगाइए, मुझे नहीं पता, कैसे भी करके उन लोगों का पता लगाइए जिन्होंने मेरे पिता का ये हाल किया है। पर नेता हमेशा उसे टाल देते थे। एक दिन पॉलिटिशियन भी उसके रोज रोज के चक्करों से तंग आ गया और बोला, हाँ मारा है पुलिस वालों ने तेरे बाप को, लेकिन क्या करने का, हमारे पास कोई सॉलिड प्रूफ भी नहीं है ना, और ना ही मैं कोई सबूत ढूंढना चाहता हूँ ताकि मैं इस झमेले में फंस जाऊँ। देख, अब तो पुलिस वाले खुद आके या तो अपना जुर्म कबूल कर ले या कहीं से कोई सबूत सामने आ जाए, तभी कुछ हो सकता है। अब रोज़ रोज़ मेरे आगे पीछे चक्कर मत काट यार। आयशा का ये सब सुनकर दिमाग ख़राब हो जाता है और वो प्लान बनाती है कि वो खुद ही अपने पिता की मौत का बदला लेगी। वो खुद इंस्पेक्टर की वर्दी पहन लेती है और छोटे मोटे हवलदारों से दोस्ती करना शुरू करती है, जो कि कैसे भी करके कुछ सबूत सामने ला सकते थे। लेकिन उसे हमेशा एक डर सताता रहता कि कहीं इन हवलदारों ने कभी सच की पुलिस के सामने अपना मुँह खोल दिया तो क्या होगा, क्योंकि वो जानती थी कि हवलदारों को तो वो बेवकूफ़ बना लेती है, लेकिन पुलिस अगर सामने आ गई तो वो फंस सकती है। इसके बाद कहानी वापस प्रेजेंट डे पर आ जाती है, जहां दोनों अपने अपने घर में आराम से बैठकर एंजॉय कर रहे हैं। अब दोस्तों, क्या होगा इसके आगे का अंजाम? आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके वांटेड के फर्स्ट सीक्वल में से सबसे फेवरेट सीन कौन सा था। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज़ को। आपसे जल्द ही दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।